आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में बारिश से भी और बिगड़े के हालात, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को आप बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो झारखंड समेत देश के 4 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, इलाकों में बढ़ने वाली है ठंड। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार जो है आज दक्षिणी झारखंड के अधिकांश स्थानों में हल्की मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना, जबकि कल अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के खरदापुरी, मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा में जो है चेतावनी दी गई है। तो देश के ज्यादातर राज्यों में जो है चेतावनी दी गई है। आगामी 24 घंटों के दौरान जो है मौसम विभाग की ओर से चेतावनी यहां पर दी गई है। वह आगामी 24 घंटों के दौरान जो है देश के ज्यादातर राज्यों में जो है चेतावनी दी गई है बारिश को लेकर। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और उत्तरी 24 परगना में भी चेतावनी यहां पर दी गई है मौसम विभाग की ओर से। दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, मदीनापुर में तेज बारिश की संभावना है। गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड, हावड़ा और इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल के झारखंड और हावड़ा, कोलकाता, बोकारो में भी चेतावनी यहां पर दी गई है। ज्यादातर इलाकों में जो है चेतावनी यहां पर दी गई है मौसम विभाग की ओर से, ये जानकारी यहां पर दी गई है। वही दिल्ली एनसीआर में भी जो है आज सुबह तेज हवाएं चल रही जिसकी वजह से ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने आज मौसम साफ रहने और तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 19 के आसपास रहने की बात यहां पर कही है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की बात करें तो जब तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कोई मजबूत पश्चिम विक्षोभ या बर्फबारी नहीं होती तब तक तापमान जो है कम से कम एक सप्ताह तक स्थिर रहेगा। एक सप्ताह तक तापमान जो है वो स्थिर रहने की बात यहाँ पर कही गई है। वही 25 या 26 आज कल जो है एक पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना, जिसके ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में जो है ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने जो है बेंगलुरु के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान जो है शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी कन्नड़, उड़ीपी, धारवाड़ और इसके अलावा बेलागांव, हेवरी, मुंडिया और मैसूर, हसन, कोडगु, रामानगर, तुमाकुर, चित्रदुर्ग के जिलों में अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिणी कर्नाटक के शेष जिलों में अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक में शेष जिलों में कुछ स्थानों पर जो हल्की मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार है। तो ये कुछ स्थितियां जो है देश भर में मौसम की देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जो है वो चेतावनी यहां पर दी है। अब आपको राज्य भर मौसम विभाग के समाचार की बात करवाते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में जो है 2 दिन तक जो है बारिश की यहां पर मौसम शुष्क रहने की बात यहां पर कही गई। दरअसल राजस्थान में जो है लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। आगामी कुछ दिनों तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 2 दिन तक मौसम साफ रहने की बात कही है। ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में आगरा में छाई हुई धुंध, काशी में पछुआ हवा से तापमान लुढ़क चुका है। दरअसल बात यह है कि वातावरण में सर्द ऋतु के आगमन का संकेत अब प्रभावी होने लगा है। सुबह शाम सिहरन व राम को जो है यहाँ पर तापमान में गिरावट की पुष्टि होने लगी है। अब वर्षा ऋतु की विदाई हो चुकी है। अब हल्की गुलाबी ठंड ने जो है लोगों को जो है यहाँ पर ठंड का एहसास करा दिया है। वह कल तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस कम होकर 34 के आसपास आ गया लखनऊ का। वही न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के प्रोफेसर सुरेंद्र पांड्या ने बताया है कि अभी धरातल पर बह रही पूर्वा जो है काफी कमजोर है, जबकि इसे 2 किलोमीटर ऊपरी पछुआ हवा चल रही है। आने वाले कुछ दिनों तक जो है पूर्वा का प्रभाव जाता रहेगा और पछुआ हवा प्रभावी होने लगेगी। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारियां सामने आ रही है कि तापमान में उतराव चढ़ाव वाली स्थिति जो है इसी राज्य में भी देखने को मिल रही है और तापमान जो है वो आगे पीछे जो है तापमान में उतराव चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार की बात करें तो चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के अंदर जो है बंगाल खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तो तूफान में तब्दील होने के बाद बिहार में 1-2 स्थानों पर बारिश होने की बात कही गई। मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए बिहार के कई इलाकों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बांका, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय में कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने जो आज और कल 2 दिन तक कई इलाकों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है, इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रह सकती है। तो ये कुछ स्थितियां जो है बिहार में भी मौसम की देखने को मिल रही है और ज्यादा इलाकों में जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिलेगा और बिहार में बारिश की बात यहां पर कही गई है। यूपी में भी बारिश हो सकती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में बारिश की बात कही गई है। दरअसल झारखंड में भी है जो
तूफान दाना का असर देखने को मिलेगा। और धनबाद में जो है कल बारिश हुई, आज भी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ रहेगा और ठंड बढ़ेगी। चक्रवात तूफान दाना से पहले धनबाद में हल्की बारिश हुई। वही तूफान को देखते हुए धनबाद में बिजली विभाग भी अलर्ट पर है। बिजली विभाग के कर्मचारी फीडर लाइन, झूलते तार और पेड़ों से सटे तारों को हटा रहे हैं। बिजली के खंभों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये कुछ स्थितियां जो ऐसे राज्य के अंदर भी देखने को मिल रही है। कर्नाटक में बारिश के बाद 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कर्नाटक में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वही दो दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कुछ शहरों में स्कूल आंगनबाड़ियों को छुट्टी कर दी गई है। निजी कंपनियों के एहतियात तौर पर जो है कर्मचारियों को घर से काम करने की बात कही गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु शहरी, चक्काबिलापुर और चकमानुसूर, कुल्लूर, कुड़गु, शिवमोगा और तमकुरु में जो है बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वैसे वीडियो चला गया, आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी आप तुरंत दबा दें ताकि खबरें जो है मौसम से जुड़ी आपको रोजाना मिलती रहे।